ज्यादातर स्वामी आत्मानंद स्कूल से हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसका नाम बदलकर स्तरहीन राजनीति कर रही है। दूरवर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए स्वामी आत्मानंद स्कूलों की सार्थकता अब दिखने लगी है। बेहद ही खुशी का विषय है कि बारहवीं और दसवीं की प्रवीण सूची में 70% से भी अधिक बच्चे स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं, टॉपर भी स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। और बेहद ही दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी संकुचित मानसिकता में स्वामी आत्मानंद स्कूल को बंद करना चाह रही है, स्वामी आत्मानंद स्कूल को का नाम बदली करना चाह रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के स्तरहीन राजनीति। स्वामी आत्मानंद छत्तीसगढ़ के महापुरुष थे, छत्तीसगढ़ की धरोहर थे। उनका नाम बदला जाना छत्तीसगढ़ के साधु संतों का अपमान है। वही छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूल पर तेज हुई सियासत। गृह मंत्री विजय शर्मा का कांग्रेस पर पलटवार। स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम बदलने पर कहा कि बयान से पहले भूपेश बघेल को धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है। मैं वो वरिष्ठ हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनको एक सलाह जरूर देता हूँ कि आप बयान से पहले थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा समझ लें विषयों को, थोड़ा इस पूरी स्थिति की जानकारी ले लें, उसके बाद बयान दें। उन्होंने नक्सलियों के संदर्भ में भी वही कहा था कि फर्जी मुठभेड़ है, फिर नक्सलियों ने ही कह दिया कि सही था सब कुछ। थोड़ा समझना चाहिए क्या हो रहा है, समझना चाहिए फिर बोलना चाहिए। और अब बात करेंगे, जहां बिजली पानी व साफ सफाई को लेकर आधी रात को कुलपति के बंगले के सामने छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है। समस्या ये है कि सर पूरे हॉस्टलों में सर कल भी यही रवैया था। 10 बजे तक, 11-12, अभी 12 बजे सर हम लोग हॉस्टल से निकले हैं। सभी को इस बार तो छोड़ दे। तो देखा आपने, जमकर हंगामे की तस्वीरें भी आपको दिखाई गई। और अब बात करेंगे, रीवा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। और इसके पहले एक और अहम खबर का रुख करेंगे, जहां पर भोपाल में अशोका गार्डन रेड मामले में बड़ी अपडेट है। घर पर मिले करीब 26 लाख रुपए के नोटों की गड्डियां, 22 लाख के नए और 4 लाख के पुराने नोट बरामद किए गए हैं। 5 और 20 रुपए के नोट समेत कई छोटे नोटों की भी गड्डियां मिली हैं। मुंबई से लाया जाता था नई करेंसी, भारतीय करेंसी को लेकर आगरा और मुंबई के नेटवर्क की जांच की जा रही है। और ये देखिए, जो नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं उसकी एक बानगी आप देखिए। भोपाल का पूरा मामला है, जहां पर 22 लाख से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। 5 और 20 रुपए की नोटों की ये गड्डियां हैं जो कि पाई गई हैं। भोपाल के अशोका गार्डन में रेड पड़ी है, घर पर 26 लाख रुपए की जो करेंसी है वो बरामद की गई है, और इसमें ज्यादातर 5 और 20 रुपए के नोट शामिल है। सूचना मिली थी एक व्यक्ति के घर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैश होनी थी, तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं, तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशन में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये इस तरह के डिनोमिनेशन में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है।